प्रथम तहलका न्यूज। पड़ोसी राज्य पंजाब में आज यानी गुरुवार से कक्षा पांचवी से बारहवीं तक के स्कूल खुल गए। बता दें कि पंजाब सरकार ने कोरोना के तहत पूरी सुरक्षा नियमों के बीच स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए। पड़ोसी राज्य पंजाब में इन आदेशों के बाद से अब हरियाणा के निजी स्कूल ने भी शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए मांग कर दी है। इसी मांग को लेकर अंबाला शहर में निजी स्कूलों का एक डेलीगेशन विधायक असीम गोयल से मिला और ये कहा कि उन्हें भी सुरक्षा नियमों के तहत स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाए। क्या आज प्राइवेट स्कूल ऑनर्स जो उनका एक पूरा डेलीगेशन मिला, सब भाई बहनों की अपनी समस्या थी कि एक तो जिस तरह पंजाब की तर्ज के ऊपर स्कूल खुले हैं पांचवी तक और ऑनवर्ड्स जो है क्लासेस लगनी चाहिए, तो उसके लिए आदरणीय आईएम साहब से बात की है और उन्होंने भरोसा दिया कि बहुत जल्दी हरियाणा सरकार भी इसमें पॉजिटिव फैसला लेके इनको राहत पहुंचाने का काम करेगी। और जहां तक इनके एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेके दिक्कत थी, उसके लिए भी मंत्री जी से इनके मिलने का टाइम फिक्स करवाया है और होपफुली वो भी इनकी समस्या बड़ी जल्दी हो जाएगी। निजी स्कूलों से आए इन सभी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा और मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग हर एक इंडस्ट्री खुल चुकी है तो फिर स्कूलों को भी खोल ही दिया जाना चाहिए। सारे दो तीन स्कूलों के संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और विधायक जी को रिक्वेस्ट करने आए हैं, सीएम साहब के नाम का ज्ञापन देने आए हैं। विधायक जी सारी इंडस्ट्री खुल चुकी है, हर तरह का ट्रेड खुल चुका है, इवन टूरिज्म भी खुल चुका है, तो स्कूल क्यों बंद? स्कूल वालों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें मैनेजमेंट हो, चाहे उसमें टीचर हो, चाहे उसमें बच्चे हों, सबको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और अगर स्कूल में बच्चों का नुकसान है तो वो देश का नुकसान है। सर, प्रिकॉशन अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या प्रिकॉशन है जो स्कूल वाले? सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चलाया हुआ है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, उसमें हम लोगों को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल गई है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है उस चीज़ के लिए। हम लोगों ने पूरा डिसिप्लिन, पूरी सैनिटाइजेशन, पूरा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सारी की सारी चीज़ों का एहतियात बरत के सक्सेसफुली पिछले एक महीने में 9वीं से 12वीं कक्षाओं की क्लासेस भी ली हैं और एग्ज़ाम भी लिए हैं, जिसमें किसी भी स्कूल को कोई दिक्कत नहीं आई। सर, यदि कोई बच्चा देखिए, जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर बच्चों के लिए आज बच्चा क्योंकि घर पर बैठा है, वो शादियों पर जा रहा है, वो मेलों में जा रहा है, वो खाने पीने जा रहा है, वो पॉलिटिकल रैलीज में जा रहा है, लेकिन सबसे सेफ जगह बच्चे के लिए आज भी स्कूल है, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है, स्कूल में एम्प्लॉई है। हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो और भी नहीं बन सकता। तो अगर सेफ्टी के मायने में रखूँ तो हम उनसे 100 गुना ज़्यादा खड़े उतरते हैं, लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी लेने की बात है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक प्रोटोकॉल है कि जहाँ अगर कोई ऐसे गलती से केस पाया जाता है, अगर टेम्परेचर चेक में या उसमें नहीं आता, तो उसके लिए एक सैनिटाइजेशन करानी होती है, एक दिन की छुट्टी करनी होती है, वो प्रोटोकॉल हम भी फॉलो करेंगे। सर, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा? जी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें इजाज़त मिल गई है सरकार से और एज पर द वायबिलिटी एंड एज पर द नीड ट्रांसपोर्टेशन शुरू की जा चुकी है और करी जा रही है। लेकिन छोटे इस चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा रहे हैं, पहला एक्सपेरिमेंट पास हो चुका है 9वीं से 12वीं तक का। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पंजाब की तर्ज पे 6वीं से 9वीं के स्कूल खोले जाएं, उसके 15-20 दिन बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, ये तो स्टेज बाय स्टेज हमें नीचे जाना पड़ेगा ताकि हम सीखते भी जाएं और इस चीज़ को अडेप्ट भी करते जाएं और सक्सेसफुल भी होते हैं। प्रशांत जी, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्कूल की वजह से बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी हमने 9वीं से 12वीं के सब स्कूलों ने बोर्ड के पेपर लिए हैं, ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा आते थे, ऑफलाइन में एकदम से बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत घट गई है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी राष्ट्र निर्माण का कार्य है कि आप इसको सीरियसली लें, स्कूल में आएँ और विद्या ग्रहण करें। हालांकि इनके मुलाकात के बाद से विधायक असीम गोयल ने इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन तो जरूर दिया था, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या हरियाणा की सरकार पंजाब की तर्ज पर स्कूलों को खोलने का फैसला कर पाती है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।